क्या आपने कभी सुना है कि रेल दुर्घटनाओं को रोकने के लिए पूजा की गई हो? जी हाँ, भगवानपुर के रतनपुरा में ऐसा ही हुआ। यहाँ रेलवे ट्रैक के पास माँ भवानी मंदिर में एक अनोखी पूजा का आयोजन किया गया ताकि रेल हादसों को टाला जा सके। ये है केदार यादव। इन्हें कुछ समय पहले एक सपना आया था जिसमें उन्हें चक्रधरपुर रेल हादसे की चेतावनी मिली थी। जब वह सपना सच हो गया तो उन्होंने ठान लिया कि अब ऐसी घटनाओं को रोकना ही होगा। इसी उद्देश्य से उन्होंने भगवान विश्वकर्मा और भोलेनाथ की पूजा की ताकि भविष्य में कोई रेल दुर्घटना न हो। इस अनोखी पूजा का आयोजन पंडित मदन मोहन आचार्य की देखरेख में हुआ। केदार यादव ने बताया कि भगवान शंकर और विश्वकर्मा ही रेल हादसों को रोक सकते हैं। उनकी पूजा के बाद उन्होंने महसूस किया कि भगवान उनकी प्रार्थना सुनेंगे और आगे कोई हादसा नहीं होगा। केदार यादव ने बताया कि पहले भी उनकी पूजा से कई समस्याएं हल हुई हैं। जब जिले में बारिश नहीं हो रही थी तब उन्होंने भगवान से प्रार्थना की और उसके बाद जमकर बारिश हुई। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की बीमारी के समय भी उन्होंने प्रार्थना की थी और लालू प्रसाद यादव स्वस्थ होकर घर लौटे थे। रोज रेल दुर्घटना हो रही है, पर डे दुर्घटना हो रही है, तो हम भगवान के शरण में गए। ये भगवान पत्थर साइड में, रेल पट्टी के साइड में बैठे पूजा किया। ये भगवान अब आप ही सहारा है, क्योंकि अब प्रकृति का रूप आप है। हे भगवान, अब दुर्घटना नहीं हो। दुर्घटना को बचने के लिए, कि अब रेल दुर्घटना नहीं हो, इसी को बचने के लिए मैं पूजा अर्चना किया हूँ और भगवान से प्रार्थना किया हूँ। ये भगवान अब नीचे वाला से उपाय आशा छूट गया, अब आप ही जो करिए रेल दुर्घटना को बचा लीजिए। इसलिए पटरी पर जाके पूजा किया हूँ कि हे भगवान, अब दुर्घटना नहीं हो, अब बचा लीजिए। बाबा विश्वकर्मा के और बाबा भोलेनाथ का मैं पूजा किया हूँ। कितने लोग थे वहाँ पे पूजा? छह दस आदमी थे। दस आदमी पूजा अर्चना किए हैं, बहुत अच्छा से पूजा किया हूँ और वैदिक मंत्र उच्चारण के साथ पूजा किया हूँ कि भगवान अब दुर्घटना नहीं हो। भगवान ज्यादा देर नहीं थे, आधा घंटा तक पूजा किया हूँ और ज्यादा देर नहीं, कोई डिस्टर्ब उस पर नहीं हुआ है। कहाँ से आया कि ये आइडिया कि भाई हम पूजा करेंगे तो दुर्घटना नहीं होगा? हम सपना देखे थे, सपना आया भोर में हमको कि कोई गाड़ी एक्सीडेंट तुम्हारा कर जाएगा। अपने आप समझ ठीक दुर्घटना हो गया तो मैं अपने आप कहा कि तुम पूजा करो जाके। तो हम सपना जब होता है तो हम पूजा करते हैं, और जब भी मेरा सपने में आया था तो मैं पूजा किया था, वर्षा होने लगा। सपना आया तो लालू जी हमारे स्वस्थ हो गए। सपना में हम पूजा किए रेलवे दुर्घटना तक, अब दुर्घटना नहीं होगा। हमें पूरा अंदर से विश्वास है कि अब दुर्घटना नहीं होगा। कब तक नहीं? अब कब तक नहीं होगा तो हम नहीं जाएंगे, लेकिन प्रकृति की हमको कुछ ना कुछ हमको लगता है कि प्रकृति मान जाएगी और हमारा पूजा सफल होता है। नहीं, अब पूजा नहीं, अब अति नहीं होगा, घटना नहीं होगा, मैं बाधा के साथ कहता हूँ। इस बार केदार यादव ने भगवान शंकर और विश्वकर्मा से रेल दुर्घटनाओं को रोकने की प्रार्थना की है। उन्हें पूरा विश्वास है कि उनकी यह प्रार्थना भी पूरी होगी और देश में रेल हादसों की संख्या कम हो जाएगी। लोकल 18 के लिए वैशाली से राजकुमार सिंह की रिपोर्ट।